सेशन 6। ऐसे ही आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक का मेन मोटो हमारा ये है कि चलो ठीक है, हमारे पास सिलेबस की नॉलेज हो गई, हमें अब वेब डिजाइनिंग यानी एक स्टूडेंट्स को इतना कोर्स करने के बाद सारी चीजों की नॉलेज हो गई कि कैसे वो एचटीएमएल का यूज करेगा, कैसे फोटोशॉप की एडिटिंग करेगा, एवरीथिंग यू हैव टू अचीव बिहाफ ऑफ योर नॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप जॉब के लिए आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप अगर मेरे पास इंटरव्यू देने आएंगे तो मैं हूं चाहे मेरी जगह बैठा हुआ यहाँ पर कोई भी पर्सन, वो आपसे कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट करेगा। और स्किल कितने प्रकार की होती है? स्किल दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होती है दोनों? सॉफ्ट स्किल वो स्किल्स होती है जिसके बिहाफ पर जो हमें अंदर से समाज के द्वारा, ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है, हमें अंदर से समाज में रहकर अपने आसपास के परिवेश से सीखने को मिलता है कि यस हम जो सॉफ्ट स्किल है उसके बिहाफ पे हम अपने डिसीजंस को लेते हैं। जैसे आपकी एज जो भी हो इस समय करंट टाइम में, जो जिस एज में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें आप खुद सोचो कि जरूरी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ किताबी नॉलेज का इस्तेमाल किया है, बुकिस नॉलेज आपने हर जगह इस्तेमाल नहीं किया है, आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल बखूबी किया है। जब लाइफ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज